हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जेसवाल, एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि जिन लोगों का, यानी 8 स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ, तो जिन लोगों का एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुका है, तो आपके लिए मैं आपको बता दूं यार, 8 स्टैंडर्ड में से पास आउट हो जाओगे आप लोग तो 9th स्टैंडर्ड में पहुंच जाओगे। हमारे चैनल पे 9th स्टैंडर्ड के वीडियोस हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है, तो आप लोग अपने 9th की पढ़ाई शुरुआत कर दो, क्योंकि ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला है। वैकेशन, यानी कि हर बार क्या होता था ना कि आपको ऑनलाइन तरीके से एग्जाम्स में पास कर दिया जाता था, लेकिन इस बार प्रॉपर तरीके से आपने एग्जाम्स दिया तो आपको फील हुआ रहेगा कि यार दुनिया वापस से अपनी जो ओरिजिनल लाइफ है उस पर लौट रही है। तो आपको भी फोकस ये करना है कि आपको भी अपना जो वैकेशन है उसको इस तरीके से फायदा उठाना है कि आप जब 2 महीने के बाद स्कूल्स वापस खुलेंगे और जब आप स्कूल्स में वापस जाओगे तो आप 2 कदम बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ, एक स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था कि अगर आप 8th में थे और आपका एग्जाम्स खत्म हो चुका है, फाइनल एग्जाम्स हो चुका है, रिजल्ट कुछ दिन में आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले 9th की पढ़ाई शुरुआत कर देना। वीडियोस हमारे चैनल पे है। लेकिन जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर 1-2 दिन में होने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट फिलअप्स आपके 8th स्टैंडर्ड में साइंस सब्जेक्ट के हैं वो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, और उसी के साथ आपके लिए शॉर्टकट रिविजन सीरीज हम लाते रहते हैं, कंटिन्यूसली वीडियोस आते रहते हैं, और पूरा का पूरा सिलेबस वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है, तो आप देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे जो भी आपके फाइनल एग्जाम्स में चैप्टर्स आ सकते हैं, लास्ट के 8 से 10 चैप्टर्स का हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आप लोग के सिलेबस का ही पार्ट है और आपके टेक्सुअल फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसका आंसर और विद एक्सप्लेनेशन आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले रेगुलर वीडियोस और ऑल चैप्टर वाइज वीडियोस हमारे चैनल पे है, तो उसको देखते रहना, इग्नोर मत करना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कंसेप्ट नॉलेज को क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, अकाउंट बना लो, नहीं बनाया तो यार जरूरी है सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहना। और यहाँ पे मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो जेआर ट्यूटोरियल्स नाम का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मोर देन 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कि है आरबीसी ऑफ द ब्लड कंटेन डैश एंड आयरन कंपाउंड। आरबीसी जो होता है हमारे खून में, उसके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो कि एक आयरन कंपाउंड है, तो मैं आपको बता दूं हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए और हमारा ब्लड सैंपल लेता है, वो ब्लड ब्लड रिपोर्ट जब आता है ब्लड टेस्ट करवा के, तो बोलता है अरे यार आपके खून में ना हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो हेमोग्लोबिन इज नथिंग बट अ पिगमेंट जो कि एक आयरन कंपाउंड होता है और हमारे जो खून को ना ताकतवर बनाता है, और वो खून की कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली विल गेट वेरियस टाइप ऑफ डिजीज, एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रख लेना हेमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या बोल रहा है, डैश इज प्रेजेंट बिटवीन थोरासिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो हमारा थोरासिक कैविटी होता है, थोरासिक कैविटी मतलब हमारा जो छाती होता है, जैसे कि आप जानते हो तो छाती में यहाँ पे रीढ़ अपना रिब्स रिबकेज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थोरासिक केज, रिब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो हड्डी आपको दिख रहा है ना, ये छाती वाला, ये क्या होता है आपका रिब केज होता है, ठीक है। अब ये रिब केज में और उसके जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट शुरू होता है हमारा, एब्डोमिनल कैविटी, तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, तो एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रागम, वो प्रेजेंट होता है डायफ्रागम, ठीक है, जो कि लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। तो डायफ्रागम इज द ऑर्गन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरासिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी, याद रख लेना। अब नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स आर डैश। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी ये मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। जो भी मसल्स हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते, कार्डियक मतलब क्या होता है, कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे दिल में प्रेजेंट होते हैं, दिल को आप बोल सकते हो क्या, ए दिल संभल जा जरा, बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो, तो यहाँ पे कार्डियक मसल्स जो होता है इसीलिए ये क्या होता है इनवॉलेंट्री होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे पीएच ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो याद रख लेना पीएच जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो होता है बेसिक इन नेचर, और बेसिक को हम लोग अल्कलाइन भी बोलते हैं, अल्कलाइन इन नेचर होता है, याद रख लेना, ओके याद रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करू प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी अकर्स इन डैश, यानी कि जो आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पस्कल जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे बनता है हमारे शरीर में, तो आपको बता दूं ये बनता है हमारे रेड बोन मैरो के अंदर। एक मूवी थी दोस्तों, उसमें बोलता है कि मैं आपका रेड बोन मैरो लूंगा, मुझे कमेंट करके बताना कौन सी मूवी थी। हिंट देता हूँ, ऋतिक रोशन की बहुत फेवरेट सुपर हीरो वाली मूवी है, अब आप हिंट समझ गए होंगे, तो उसमें रेड बोन मैरो की बात होती है, ठीक है। तो आरबीसी कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है, ये चीज ध्यान में रख लेना, ओके। अगला यहाँ पे आ जाता है अगले चैप्टर का, जो कि है एसिड वाला चैप्टर जो है हमारा, एसिड एंड बेस वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड इज डैश, यानी एसिड में सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होता है, वो होता है दोस्तों H+ आयन। आपको मैंने बताया था कोई भी एसिड को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर उसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट है तो वो एक एसिड है। वही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्कली, अल्कली का मतलब होता है बेस, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, अल्कली का मतलब होता है बेस। तो बेस क्या होता है, जैसे एसिड में H+ आयन होते हैं, बेस में क्या था मैंने आपको बताया था OH- आयन। तो अगर एसिड है
तो एच प्लस प्रेजेंट होता है, और बेस या फिर अल्कली जिसको बोलते हैं वो है तो ओ एच माइनस आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे क्या बोला है, टार्टरिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? ये एक वीक एसिड है, कमजोर एसिड है, वीक, याद रखना। ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ है, और आपको ऑलरेडी इसका हमने एस सी आर वीडियो भी पढ़ाया था, जस्ट रिसेंट में जाके देख लेना, हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, जो कि अगला आ रहा है हमारा नेक्स्ट चैप्टर का, रिएक्शन वाला, जो कि है ए डैश इज ड्रॉन इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाइल राइटिंग द इक्वेशंस फॉर ए केमिकल रिएक्शन। आप कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो, जैसे कि समझ लो यहाँ पे सी एच फोर ठीक है प्लस एच टू ठीक है गिव्स यहाँ पे चलो यहाँ पे एच टू हो गया ना, सी एच फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा समझ लो सी एच सिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता तो नहीं है रिएक्शन, लेकिन समझ लो ऐसा हमने यूज किया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, बीच में ये क्या बनाया है, एरो, यानी कि जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये क्या है आपके लिए, रिएक्टेंट है, और ये वाला पार्ट जो है प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स जो है आपका और प्रोडक्ट्स है, इसके बीच में क्या ड्रॉ किया जाता है, एक एरो को ड्रॉ किया जाता है, और वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो एरो का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पढ़ाया है पहले से, तो एरो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए डैश केमिकल चेंज। रस्टिंग जो होता है, आयरन में जंग लगता है ना, आपको पता है, ठीक है, जंग लग जाता है आयरन में, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो, कौन सा केमिकल चेंज है, ये एक स्लो केमिकल चेंज है, बहुत स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, सालों लग जाते हैं रस्टिंग होने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज विच इज रिकॉग्नाइज बाय द फ्रॉम द जनरेशन ऑफ सर्टेन डैश टू इट। मतलब खाना जब खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, ठीक है, तो कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका हमारा इंडियन तरीका क्या, सूंघ के। जैसे हमारे घर में दाल वगैरह बनती है, तो हम लोग क्या करते हैं, दाल सुबह का पड़ा होता है तो रात को अगर बच गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कटोरा लेते हैं दाल का, स्मेल करके देखते हैं, हाँ स्मेल अच्छी आ रही है तो मतलब ताजा है, मतलब अभी भी खराब नहीं हुआ है, लेकिन स्मेल थोड़ी सी खराब आ गए, अगर थोड़ी सी गंदी तरीके से स्मेल आ गई, तो हम लोग बोलते हैं कि ये दाल जो है खराब हो गया, मम्मी ये दाल खराब हो गया, ये खाने लायक नहीं, इसको फेंक दो, बोलते हैं कि नहीं, ये मैं भी कर चुका हूँ, और बहुत सारे जो हमारी देसी फैमिली है यार, वो तो करती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मेल आएगा, यानी कि एक स्मेल उसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि फूड जो है वो खराब हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब टर्न्स डैश ऑन ब्लोइंग इट थ्रू ए ब्लो ट्यूब फॉर सम टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहा जाता है, लींबू पानी नहीं है, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, याद रखना, नहीं तो आप बोलोगे सर लाइम वाटर मतलब लींबू पानी की बात कर रहे हो, लेमन वाटर होता है लींबू पानी, ये लाइम वाटर मतलब होता है चूना पानी। तो चूना पानी जो होता है ना, वो टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग रखे हैं और उसके ऊपर से अगर हम लोग फूक मार रहे हैं ना, तो हमारे अंदर से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और आपको बता दूं एक व्हाइट कलर का लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, जो कि मिल्क कलर क्या हो जाता है। ठीक है, इसके लिए एक चीज याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा मिल्की, यानी कलरलेस सॉल्यूशन जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, बट उसके अंदर हम लोग फूक मारेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर चला जाएगा, दोनों रिएक्ट कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, दूध के कलर का बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमेशा से पूछता था कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, द व्हाइट पार्टिकल्स ऑफ बेकिंग सोडा डिसअपियर व्हेन वी पुट द लेमन जूस, दिस मींस दैट इट इज ए क्या है, केमिकल हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। कभी भी दो ही टाइप के चेंज होते हैं, एक तो केमिकल चेंज होता है, एक तो फिजिकल चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल हो रहा है, तो इसके लिए केमिकल चेंज, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन इज अ डैश इन रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन क्या है रेस्पिरेशन के अंदर, ये एक रिएक्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद रिएक्ट करता है जाके, तो ये एक क्या है, रिएक्टेंट है रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है सोडियम क्लोराइड इज डैश कंपाउंड, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, Na और Cl होता है, तो NaCl मतलब Na प्लस Cl माइनस, यानी एक आयन्स है। ठीक है, तो आयन्स जहां पर रहेंगे तो ये होगा आयोनिक कंपाउंड। वैसे आगे बोला है वाइल हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए डैश कंपाउंड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl होता है, इसके बीच में बॉन्ड जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसके लिए कंपाउंड भी होगा कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड व्हाइल हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, याद रहेगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एच क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन डैश इज कंप्लीट इन ईच हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन क्या कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, ड्यूप्लेट मतलब दो का जोड़ी होता है ना, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसके सबसे पहला जो शेल्स होता है ना, इसके मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूप्लेट कहते हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें आठ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आठ इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम रह सकते हैं, और वो आठ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्टेट बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बेचारा खुद एक अकेला
मतलब सिंगल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ड्यूप्लेट की बात हो रही है, ऑक्टेट की बात नहीं होगी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्लोरीन जो है, Cl2 जिसको बोलते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू क्लोरीन एटम, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स। कितना सिंपल है, मतलब मुझे आप लोग बताओ यार, आप 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ऐसा शायद वीडियो आपको देखने नहीं मिला होगा अब तक, हमने बहुत सारे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड किए हैं आपके लिए, पूरा सिलेबस और कंसेप्ट समझा दिया है आपको, SCR वीडियोस भी ओवरव्यू दे दिया था, 15 मिनट के अंदर ही पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दे रहे थे, लेकिन ये चीज आपको बहुत बेनिफिशियल होगी क्योंकि ये 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा ना, उसमें एंटायर आपका फिल इन द ब्लैंक्स कवर हो जा रहा है, तो सोचो आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स तो आता ही है, तो सोचो आप 4 से 5 मार्क्स बिंदास निकाल सकते हो अगर आपने ये वीडियो देख के पूरा लर्न कर लिया हमारा MCQ को, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अगला एक और MCQ आया है जो फिल इन द ब्लैंक्स से, क्या बोलता है, द रीजन इन ए साउंड वेव विथ हायर प्रेशर एंड द डेंसिटी इज कॉल्ड डैश, मतलब जो साउंड वेव होता है इसमें हमारा, ठीक है, जो हायर प्रेशर जो डेंसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और लोअर प्रेशर एंड डेंसिटी को क्या बोलते हैं, तो आपको मैं बता दूं, इसको बोला जाता है कॉम्प्रेशन, ठीक है, हायर प्रेशर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन, एंड जो लोअर प्रेशर होता है डेंसिटी के साथ वो होता है दोस्तों कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। आपको याद होगा कि जब भी हमने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ाया था आपको, फिर से बता देता हूँ, ये आपका क्या होता है, साउंड वेव्स होता है, इस प्रकार से साउंड वेव्स निकलती हैं, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है जो हाइट वाला ये होता है कॉम्प्रेशन, और जो लोअर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, तो कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ही मिला के क्या बनता है, कंप्लीट वेव बनता है, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करो, द मीडियम इज डैश फॉर जनरेशन ऑफ साउंड, मतलब मीडियम क्या है, जनरेशन ऑफ साउंड के लिए मीडियम क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है हमें, मीडियम बहुत जरूरी है, मीडियम इज नेसेसरी लिख दो, मीडियम इज रिक्वायर्ड लिख दो, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि मीडियम इज नेसेसरी और मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ साउंड, क्योंकि अगर कोई मीडियम नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कोई भी मीडियम नहीं है, तो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा, ये हमें पता है। ओके अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस पर सेकंड इन ए साउंड वेव इज 1000, मतलब 1000 कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1000 रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, तो आपको बताया था मैंने अभी अभी कि हमारा एक कॉम्प्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिला के ही एक कंप्लीट वेव बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 1000 है, तो इसका आधा कर लो यानी कि 500, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का 500, क्लियर है, क्योंकि एक कंप्लीट रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन मिला के ही एक फ्रीक्वेंसी बनता है, तो आपका 500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 500 हर्ट्ज। ओके नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आप देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंट साउंड नोट्स हैव डिफरेंट डैश, मतलब जो हमारे साउंड नोट्स होते हैं ना अलग अलग, सारे गा मा पा धा नी, ये होता है साउंड नोट्स, तो इसका क्या अलग अलग है, डिफरेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी, सबके फ्रीक्वेंसी अलग है, आप गा के देखो, सारे गा पा धा नी, सबका जो फ्रीक्वेंसी था, साउंड जो था वो अलग अलग था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज याद रहेगा, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे, इन लाउड स्पीकर डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी, लाउड स्पीकर बजाते हो घर में, क्या लगाते हो, सबसे पहले वायर लगाते हो स्विच में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर, जैसे ही आपने क्या लगाया, साउंड सिस्टम जो होता है आपका प्लग लगा दिया, बटन चालू किया, उसमें जो भी आपने म्यूजिक डिसाइड किया था वो बजेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया और कन्वर्ट हो गया साउंड एनर्जी में, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है यार, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कि हमारा अगला टाइप का MCQ से, अगले चैप्टर का, जो कि है द परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड डैश, मिरर जो होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे कि समझ लो कि कोई भी चीज जो ड्रॉ होती है, ठीक है ना, कोई भी चीज जो ड्रॉ होती है परपेंडिकुलर में, तो उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल का लाइन, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्मल, NORML, नॉर्मल का लाइन मतलब परपेंडिकुलर का लाइन, याद रखना, चाहे वो रे ऑफ लाइट के बारे में बात हो, चाहे वो मिरर के बारे में बात हो, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए वुडन सर्फेस इज ए डैश रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर कोई वुडन सर्फेस से लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये चीज ध्यान में रखना, वुडन रिफ्लेक्शन मतलब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है द वर्किंग ऑफ क्लाइडियोस्कोप, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ इस चैप्टर में मैंने क्लाइडियोस्कोप का, तो जो क्लाइडियोस्कोप का वर्किंग होता है ये कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जैसे हमारा पेरिस्कोप होता है वैसे क्लाइडियोस्कोप होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से वर्क करता है, क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जो कि अगला हमारा MCQ आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी, एयर वाटर और मिनरल सॉइल, ये क्या है, कौन से फैक्टर है, ये सब क्या है, फिजिकल फैक्टर है, ऑप्शन दिए हुए ना,
फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो ये क्या है, फिजिकल फैक्टर है, आंसर क्या आ जाएगा, फिजिकल, याद रख लेना। नेक्स्ट है रिवर पॉन्ड्स ओशियन आर डैश इकोसिस्टम, कौन सा है, लैंड है, एक्वेटिक है या फिर सिंथेटिक है, यार ये पानी का सिस्टम है मतलब एक्वेटिक रहेगा, तो एक्वेटिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो मैन इज ए डैश इन एन इकोसिस्टम, मैन क्या है, प्रोड्यूस करता है क्या, मैन नहीं, डिकम्पोज करता है क्या, नहीं, मैन कंज्यूमर है, हम लोग खुद लेते हैं उस चीज को और खुद करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा कंज्यूमर, याद रहेगा दोस्तों, मैन इज ए कंज्यूमर इन द इकोसिस्टम। ओके, अब चलते हैं जो कि हमारा लास्ट चैप्टर, आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है स्टार्स वाला। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड डैश, हमारे गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, जोग्राफिकल चीज है इसके अंदर, तो हमारे गैलेक्सी को कहा जाता है मिल्की वे, नाम सुना है क्या कभी, ये सब चीज में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, मिल्की वे, हमारा जो ब्रह्मांड है मुझे लगता है एक नहीं है, बहुत सारे गैलेक्सीज है और दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ हमारा जो सोलार सिस्टम है ना, जो इसमें 8 प्लैनेट है वो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बहुत प्लैनेट है, अलग अलग गैलेक्सी, मुझे लगता है सन्स भी बहुत सारे होंगे, धीरे धीरे खबर सामने आएगी, टेंशन मतलब साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो गैलेक्सी को, हमारे गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस डैश इज यूज एज ए यूनिट, हम जैसे कि बड़े बड़े डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन अगर हमें एक पृथ्वी से मतलब अर्थ से लेकर दूसरे मार्स तक या फिर दूसरे प्लैनेट्स तक मेजरमेंट मापना है तो हम लोग कोई किलोमीटर नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर्स, कितने दूर है वो, इतना इतना लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, लाइट ईयर्स हम लोग किससे मेजर करते हैं, लाइट ईयर से मेजर करते हैं। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस को, द स्पीड ऑफ लाइट इज डैश किलोमीटर पर सेकेंड, तो आपको बता दूं 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब सोचो 300,000 किलोमीटर सिर्फ एक सेकेंड में लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकता है, कितना बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देयर आर अबाउट डैश स्टार्स इन अवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी में कितने स्टार है, करोड़ों क्या, 10 करोड़ क्या, 20 करोड़ क्या, 100 करोड़ स्टार है, यानी बिलियंस ऑफ स्टार्स है, याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे द एंड स्टेज ऑफ द सन विल बी, क्या आएगा, सन जो होगा उसका एंड स्टेज क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों व्हाइट ड्वार्फ, यानी कि एक व्हाइट कलर का ड्वार्फ बौना प्लैनेट बन के रह जाएगा, वो व्हाइट ड्वार्फ बन के रह जाएगा। स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ डैश क्लाउड्स, तो स्टार्स किस में से आते हैं, कौन से क्लाउड्स में से आते हैं, इंटरस्टेलर, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी याद होगा आपको, इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर क्लाउड्स। ओके, मिल्की वे इज ए डैश गैलेक्सी, मिल्की वे जो है वो क्या है, एक स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, गोल स्पाइरल, स्पाइरल गैलेक्सी है। स्टार्स आर स्पीयर्स ऑफ डैश गैस, स्टार्स में कौन कौन से गैस है, बहुत गर्म गर्म गैस है, यानी हॉट गैसेस, हॉट गैस है, याद रख लेना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द मासेस ऑफ अदर स्टार्स आर मेजर्ड रिलेटेड टू द मास ऑफ डैश, यानी कि जो अदर स्टार्स होते हैं, ठीक है, उसका मास जो मेजर किया जाता है वो किसके हिसाब से किया जाता है, सन के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, याद रख लेना। लाइट टेक्स डैश टू रीचेस फ्रॉम द सन व्हाइल इट टेक डैश टू रीचेस फ्रॉम द मून, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमें ना एक सेकंड लग जाते हैं खाली, ठीक है, लाइट को रीच होने में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना। द लार्जर द मास ऑफ द स्टार द फास्टर इट्स डैश, यानी कि जितना बड़ा उसका मास रहेगा स्टार का, उतना ज्यादा उसका क्या रहेगा, रेट ऑफ इवोल्यूशन रहेगा, क्या रहेगा, रेट ऑफ इवोल्यूशन, ध्यान में रख लो, ये सब चीज याद रख लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द नंबर ऑफ फ्यूल्स यूज इन द लाइफ ऑफ स्टार्स डिपेंड ऑन इट्स मास, यानी कितना उसका वजन है वो प्लैनेट का, ठीक है ना, फ्यूल्स का स्टार के, वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये हमने आपको करा दिए हैं, तो आप बस इसको याद कर लेना। ठीक है, हर चीज का आंसर भी मैंने लिख के दे दिया है यहाँ पे साथ में, बस वीडियो खोलो और अच्छी तरीके से स्क्रॉल करते रहो और अच्छे से याद करते रहो, बस इतना ही बोलूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के प्रिपेरेशन करने के लिए और जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना, वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, ये बहुत ही नया चीज मैं लेकर आया हूँ हमारे 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए, तो प्लीज शेयर करते रहना कि ये पहली बार हो रहा है हमारे चैनल पे, 8th स्टैंडर्ड के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सोशल मीडिया पे आज के दिन कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा आईडी है, और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और इस सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।